पूरी तरीके से व्हीली वगैरह भी मार सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वाड बाइक है। 360 डिग्री भी करा रहा हूँ और तेरी गिर गई। Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में भाई बहुत ही ज्यादा धमाकेदार अनबॉक्सिंग और फाइट होने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाली रियल स्टीयरिंग कार, इस तरह के पैडल्स भी मिल जाते हैं जिस तरह के रियल कार में होते हैं। उसके बाद भाई ये देखो, ये है अपनी पास एक क्वाड बाइक, इसके अंदर भी अपने को इस तरह की एक रियल हैंडल मिल जाती है। इसी के अंदर सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं गाड़ी को आगे पीछे चलाने के लिए, हॉर्न वगैरह भी इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो भाई बड़ी कमाल की क्वाड बाइक है। चलो फटाफट से दोनों को करते हैं अनबॉक्सिंग और कराएंगे भाई दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं आज कौन जीतेगा। सबसे पहले क्वाड बाइक को बॉक्स के अंदर से निकाल लेते हैं फटाफट से। यहाँ से मैं इसको निकाल लेता हूँ यार बाहर। ये देखो इस तरह की क्वाड बाइक मिल जाती है अपने को। यार इसकी हैंडल तो देखो भाई, एकदम बुलेट की हैंडल दिख रही है। बुलेट के अंदर भी भाई शायद इसी तरह की हैंडल होती है। ये देखो यार बहुत ज्यादा भारी है भाई साहब ये हैंडल। इसके अंदर देखो यहाँ पे पूरे के पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, हॉर्न बजाने के लिए, रिवर्स लेने के लिए। तो इसको रखते हैं यार साइड में, यहाँ पे निकाल लेते हैं अपनी क्वाड बाइक को। देखो यार क्या ही जबरदस्त व्हील्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। क्वाड बाइक देखो भाई पूरी तरीके से एक रियल क्वाड बाइक की तरह ही दिखाई दे रही है। इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। अभी खोलते हैं भाई इस बड़े से बक्से को। यार इसका बॉक्स का साइज तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। ओ माय गॉड भाई, ये बॉक्स को खोलने के लिए दो दो लोगों की जरूरत पड़ती है यार। बहुत ज्यादा मेहनत करा दी इस बॉक्स ने मेरे साथ। यहाँ पर देखो भाई ये है इसकी स्टीयरिंग, क्या ही कमाल की स्टीयरिंग है भाई साहब। देखो गियर्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, रिवर्स डाल सकते हो। यहाँ पे देखो इसके अंदर इतने ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, हॉर्न वगैरह दिया हुआ है। तो भाई इसके अंदर यहाँ पर एक ये जो रॉड है अटैच हो जाता है। यहाँ पर है भाई साहब इसका ब्रेक और इसका एस्केलेटर। ये देखो इसको दबाएंगे तो अपनी कार जो है ना भाई एकदम फर्राटे मारते हुए आगे बढ़ेगी। यहाँ पर है भाई अपनी कार। ओ माय गॉड, इसका साइज तो देखो यार कितना ज्यादा बड़ा है। कलर काफी ज्यादा सही लग रहा है यार मेरे को इसका, व्हाइट एंड रेड काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है। व्हील्स का साइज तो देखो कितना ज्यादा बड़ा बड़ा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई दोनों को मैंने साइड बाय साइड रख दिया। यार अपनी क्वाड बाइक जो है अपनी कार के मुकाबले में थोड़ी सी छोटी है, पर दोनों की हाइट देखो बाकी सेम टू सेम है। दोनों के व्हील्स भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम अपने को देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर हेडलाइट्स है और इसके अंदर भी सामने की तरफ एक हेडलाइट देखने को मिल जाती है। और भाई इसके अंदर देखो ऊपर से एक हैंडल भी दिया हुआ है इसके अंदर। यार स्टीयरिंग वगैरह हाँ है गाइस, इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अपने को स्टीयरिंग मिल जाती है। पीछे की सीट्स भी भाई काफी ज्यादा तगड़ी दी गई है। इस कार की सबसे सॉलिड चीज मैं आपको बताऊं तो गाइस वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बहुत ही ज्यादा सॉलिड प्लास्टिक से इसको बिल्ड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यार ये जो चीज है ना थोड़ी सी मेरे को नाजुक सी लगती है। इसके अंदर देखो पीछे की तरफ एक काफी मस्त वाला शॉक एब्जॉर्बर दिया हुआ है। पीछे यहाँ पर एक मोटर दी गई है। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। यहाँ पर मैं दोनों के अंदर लाइपो बैटरी यूज करने वाला हूँ। ये डालूंगा कार के अंदर, ये बैटरी डालूंगा अपनी क्वाड बाइक के अंदर। दोनों ही 7.4 वोल्ट की काफी तगड़ी वाली बैटरी है। देखो एक डुप्लीकेट मीटर भी दिया हुआ है इसके अंदर, ये काम नहीं करता है गाइस, ऐसे इन लोगों ने दे रखा है। बहुत ही अच्छी तरीके से घूम रही है भाई, जिस तरह की रियल बाइक की हैंडल घूमने लगती है। तो चलो दोस्तों कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, लेट्स गो एंड फाइट। ऑलराइट दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर। फटाफट से भाई दोनों को साइड बाय साइड रख दिया। ये है अपनी क्वाड बाइक की हैंडल और ये है अपनी कार की स्टीयरिंग। दोनों के अंदर बैटरी वैटरी डालकर मैंने फुली रेडी कर लिया है। सबसे पहले चलाते हैं अपनी क्वाड बाइक को। इसको मैंने ऑन कर दिया है। ओ माय गॉड, इसकी आवाज तो सुनो यार, एकदम बुलेट जैसी आवाज दी गई है। इसका जायरो सेंसर मैंने ऑन कर दिया है। हैंडल में जिस तरफ टर्न कर रहा हूँ अपनी जो क्वाड बाइक है भाई उसी तरफ रेस्पॉन्स करने लग रही है। यहाँ पर देखो यार ये पूरी तरीके से व्हीली वगैरह भी मार सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वाड बाइक है। 360 डिग्री भी करा रहा हूँ और तेरी गिर गई। यार एक काम करते हैं, अभी इसका जो जायरो सेंसर है मैंने ऑफ कर दिया है। अभी देखो यार काफी ज्यादा मजा आने वाला है। अभी देखो मैं हैंडल को जिस तरफ टर्न करूंगा अपनी जो क्वाड बाइक है ना भाई उसी तरफ इस तरह से झुक जाएगी। इस तरह से ये अपने आप को टर्न करा सकती है। अभी यहाँ पे भाई एकदम रियलिस्टिक सी फीलिंग आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल की बाइक ही चला रहा हूँ। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यार इसको चलाने में। तो अभी फटाफट से चलाएंगे भाई अपनी कार को। हॉर्न यहाँ पे दिया गया है, हॉर्न काफी ज्यादा लाउड है यार, बहुत स्पीड से बजता है इसका हॉर्न। यहाँ पे भाई इसके गियर्स आप फॉरवर्ड कर सकते हो, पार्किंग मोड में डाल सकते हो या फिर रिवर्स को भी चला सकते हो। देखो भाई जैसे ही मैंने इसका एक्सेलेटर के ऊपर पैर रखा है अपनी कार जो है ना भाई एकदम से दौड़ने लगी है। कार की स्पीड बहुत ही ज्यादा दी गई है। मैं जैसे ही इसकी स्टीयरिंग टर्न कर रहा हूँ कार जो है उसी तरह से रेस्पॉन्स कर रही है। कार को अपन चाहे तो बैक को भी चला सकते हैं या फिर पार्किंग मोड में भी डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो अभी मैं इसको गोल गोल चक्कर कटाने वाला हूँ भाई, क्या ही मजा आ रहा है यार, एकदम मजे लेकर मैं इसको चला रहा हूँ। कार के ब्रेक्स भी जो है ना भाई काफी ज्यादा परफेक्ट तरीके से लग जाते हैं।
इसकी स्टीयरिंग मैं जैसे ही घुमा रहा हूँ भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल कार ही चलाने बैठ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने चेयर डाली हुई भाई, चेयर पर बैठ कर अभी मैं इसको फुली ड्राइव कर रहा हूँ, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। कट करके अभी देखो यार, मैं नीचे से बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो यार, ब्रेक लगा दिया मैंने, एक्सेलेरेटर दिया, रिवर्स डाला, अभी देखो वापस से ब्रेक जो है ना भाई इसके काफी सही तरीके से लग जाते हैं दोनों में से। यार मेरे को जो है ना कार चलाने में बहुत ज्यादा मजा आया, क्योंकि कार जो है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से चलती है। अभी करते हैं फटाफट से बलून टेस्ट। यहाँ पे देखो यार, कार के सामने मैंने इतने ढेर सारे बलून्स लगा दिए हैं और भाई इसके अंदर है पानी भरा हुआ। अपनी जो कार है बिल्कुल भी वाटर प्रूफ है नहीं यार, देखते हैं कार टिक पाती है या नहीं। दो बलून तो इसने फोड़ दिया यार, ओ माई गॉड, पानी के फोर्स के कारण देखो यार कार जो है लेफ्ट को जा चुकी है। यार एक और बार ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक बलून फोड़ दिया इसने तो दूसरा बलून भी पूरी तरीके से फोड़ दिया है। भाई कार काफी सही तरीके से चल रही है, इसको कुछ हुआ ही नहीं। दो ट्राई में इसने चार बलून को फोड़े है दोस्तों। अभी सेम टेस्ट करते हैं अपनी क्वाड बाइक के साथ, देखते हैं भाई एक ट्राई में ये चार बलून को फोड़ पाती है या नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट तो मैंने कर दिया है। ओ भाई एक बलून फूटा, दूसरा बलून भी फूटा, अभी तीसरे बलून की बारी, तीसरा बलून भी फोड़ दिया इसने, चौथा बलून भी फोड़ के रख दिया है। भाई बलून फोड़ने के मामले में अपनी क्वाड बाइक जो है ना भाई क्लियरली जीत चुकी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, काफी धनाधन तरीके से इसने चार के चार बलून फोड़ के रख दिया और भाई ये भी अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसको भी कुछ हुआ नहीं। दोस्तों अभी फटाफट तरीके से भाई वेट पुल टेस्ट भी करा के देख लेते हैं। पीछे की तरफ देखो यार, स्केटबोर्ड के ऊपर मैंने 25 किलो का वेट डाल दिया है। ओ माय गॉड, ये पूरी तरीके से व्हीली मार कर खींचने की कोशिश कर रही है। देखते यार व्हीली मार कर इतना ज्यादा वेट अपना जो क्वाड बाइक है खींच पाता है नहीं। ओहो देखो यार खींच रहा है, मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा इतना ज्यादा वेट जो है अपना क्वाड बाइक खींच सकता है, पर थोड़ा सा स्लो खींच रहा है। अभी सेम टेस्ट करके देखते हैं कार के साथ, देखते हैं भाई कार काफी आसानी से इतना ज्यादा वेट खींच सकती है या नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट तो मैंने कर दिया है, भाई कार अभी रुक चुकी है, बहुत स्लो तरीके से खींच रही है यार इतना ज्यादा वेट, क्योंकि भाई वेट बहुत ज्यादा है। तो ये भी जो कार है ना भाई थोड़ा सा स्लो ही खींच रही है, तो वेट खींचने के मामले में दोनों के बीच में टाई हो चुका है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे जीत नहीं पा रहा है। अभी कराते हैं दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं भाई कौन जीतेगा यहाँ पे, कार या फिर अपनी क्वाड बाइक। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, टक्कर हो चुकी है दोनों के बीच में। ओह माय गॉड, अपनी क्वाड भाई देखो भाई एकदम से वापस से व्हीली मारकर कार को पीछे ढकलने की कोशिश कर रही है, पर यहाँ पे कार काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी है। कार देखो यार इसको पीछे ढकले जा रही है, पीछे ढकले जा रही है। ओह माय गॉड, मेरे को लगता है यहाँ पे क्वाड बाइक पूरी तरीके से हार चुकी है दोस्तों इस फाइट को। अभी कराते हैं दोस्तों दोनों के बीच में टको फोर, देखते हैं क्वाड बाइक अपना बदला ले पाती है या नहीं कार से, ये अभी थोड़ी देर पहले हार चुकी थी। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पे कौन जीतेगा, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। यहाँ पे क्वाड बाइक पावरफुल मेरे को लग रही है। देखो यार वापस इसने व्हीली मार दिया है, अभी कार को घसीट के लेके जा रही है, थोड़ा थोड़ा सा घसीट रही है, पर भाई घसीट रही है, मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा यार क्वाड बाइक जो है अपनी इतनी ज्यादा पावरफुल है। तो भाई टकोफोर के मामले में क्वाड बाइक यहाँ पे जीत चुकी है। तो दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये कार पसंद है या फिर अपनी क्वाड बाइक पसंद है, नीचे कमेंट करो फटाफट से अभी कभी। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम आ जाता है ऋषभ, विजय, संचित, ताइम, सयान, शामिल, आदित्य, सबीन, शिवम, यक्ष। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।